trying to get stuck in it. In the air. और मेरी आज की वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ ये रक्षाबंधन स्पेशल मेकअप लुक। सो गाइस, अगर आप जानना चाहते हैं मैंने ये लुक कैसे क्रिएट किया, देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग। सो फर्स्ट मैं यूज कर रही हूँ अनलॉक का एंटी एक्ने सीरम। नेक्स्ट मैं यूज कर रही हूँ मिनीसो का हाइड्रेशन मॉइस्चराइजर, ये मेरी स्किन को हाइड्रेट रखेगा। और फेस के साथ साथ मैं इसे हल्का सा नेक पर भी अप्लाई कर रही हूँ। सो अब बारी आती है प्राइमर की। सो गाइस, अगर आप चाहते हो कि आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग स्टे रहे तो इस स्टेप को जरूर फॉलो करें। सो यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ मिस रोज का फोटो फिनिश फाउंडेशन प्राइमर, ये मेरे मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग स्टे रखेगा। तो गाइस, यहाँ पर मैं रक्षाबंधन मेकअप कर रही हूँ तो ज़रूरी है कि मैं सुबह मेकअप करूँ और वो मेरा मेकअप शाम तक स्टे रहे, तो यहाँ पर इसलिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये स्टेप। लाइक यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ प्राइमर बिकॉज प्राइमर हमारी स्किन के जो ओपन पोर्स होते हैं स्पेशली इस एरिया में उनको मिनिमाइज करता है, जिससे ऑयल इतना ज़्यादा नहीं आता, ये ऑयल को कंट्रोल करता है। स्वेटिंग नहीं होगी तो हमारा मेकअप बिल्कुल वैसा का वैसा ही रहेगा। तो इसे मैं पूरे फेस पे अपने अप्लाई कर रही हूँ अच्छे से, और मैं इसे एज अ आई प्राइमर भी यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। हल्का सा अब मैं इसे अपनी नेक पर भी अप्लाई कर रही हूँ ताकि जब मैं फाउंडेशन वगैरह अप्लाई करूँ, मेकअप करूँ, तो वो बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक नेचुरल लगे। प्राइमर के बाद अब मैं यूज़ कर रही हूँ मिलानी का फाउंडेशन, एंड इसमें मेरी शेड है 02 नेचुरल। सो यहाँ पर मैंने हल्का सा प्रोडक्ट लिया है और इसे मैं अपने पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ। सो गाइज, ये 2-in-1 फाउंडेशन है, जैसा कि इस पे मेंशन है फाउंडेशन प्लस कंसीलर, तो आप अगर इसे यूज़ कर रहे हो तो आप कंसीलर को स्किप कर सकते हो। ये मेरा सेकेंड पंप है और इसे एज अ कंसीलर मैं यूज़ कर रही हूँ। हल्का सा नेक पर भी अप्लाई कर रही हूँ। एंड गाइज, यहाँ पर आपको मेरे डार्क सर्कल्स बिल्कुल साफ दिख रहे होंगे, मुझे अच्छे से हाइड करना है अपने डार्क सर्कल्स को। सो गाइज, जैसा कि इस पे मेंशन है ये फुल कवरेज फाउंडेशन है और काफी हद तक इसने मेरे डार्क सर्कल्स को हाइड कर दिया है। यहाँ पे आपको फर्क भी पता लग रहा होगा। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ इनिस्फ्री का लूज पाउडर, ये मेरा फेवरेट लूज पाउडर है बिकॉज ये मेरी स्किन को हाइड्रेट रखता है। सो इसे मैं स्पॉन्ज की हेल्प से अप्लाई कर रही हूँ। सो गाइज, यहाँ पर मैंने लूज पाउडर अपने फेस पे लगा लिया है, अब 30 सेकेंड्स तक इसे ऐसे ही छोड़ देना है सेट होने के लिए। सो गाइस, फेस कंटूरिंग के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये पॉपुलर का आई पैलेट। आपके पास कोई भी आई पैलेट हो जिसमें ब्राउन शेड हो वो आप यूज़ कर सकते हो फेस को कंटूर करने के लिए। तो यहाँ पर इसमें से मैं यूज़ कर रही हूँ ये ब्राउन शेड एज अ फेस कंटूर। इसे अप्लाई करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये एंगल ब्रश। तो गाइस, कुछ इस तरीके से आपको शेड लेनी है, इसे टैप टैप कर ले ताकि जो भी एक्सेस प्रोडक्ट है वो रिमूव हो जाए और आपके फेस पे बिल्कुल कम प्रोडक्ट लगे। सो इसे मिरर की हेल्प से मैं अप्लाई कर रही हूँ।
चिन पे कुछ इस तरह से अप्लाई करने से आपकी चिन पे एक शार्पनेस आती है, लाइक अगर आपको डबल चिन की प्रॉब्लम है तो वो उसे हाइड कर देता है। ब्लश के लिए गाइज यहाँ पे नीचे शेड्स दे रखी हैं ब्लश एंड हाइलाइटर्स के लिए, तो यहाँ पर मैं इसमें से यूज कर रही हूँ ये कोरल शेड जिसका नाम है ट्रेजर। हाइलाइटर के लिए सेम इसी पैलेट में से मैं यूज कर रही हूँ ये शेड जिसका नाम है ब्राइट पिंक, तो इसे लगाने के लिए मैं यूज कर रही हूँ ये फैन ब्रश। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ म्यूजिक फ्लावर की ब्रो पेंसिल, एंड पर्सनली मुझे ब्रोज को फिल करना काफ़ी पसंद है। सो गाइस इसी तरह मैं राइट आई की ब्रो को भी फिल करूंगी और यहाँ से आपको फर्क पता लग रहा होगा ब्रोज को फिल करने के बाद कितना फर्क आ जाता है फेस पे। मुझे पर्सनली ब्रोज को ऐसे फिल करना बहुत ज्यादा पसंद है। सो गाइज यहाँ पर मैंने अपने ब्रोज को काफी थिक फिल किया है बिकॉज मुझे काफी ज्यादा पसंद है, अगर आप मुझे जानते हैं तो आपको पता होगी ये चीज। सो गाइज अगर आपको थिक ब्रोज पसंद नहीं है तो आप इसकी जगह काफी लाइटली फिल कर सकते हैं अपनी ब्रोज को। सो इसके बाद अब बारी आती है आई मेकअप की। सो गाइज आई मेकअप के लिए मैं यूज कर रही हूँ आई सिक्स प्लस का ये आई पैलेट। सो गाइज यहाँ पर मैं यूज कर रही हूँ ये शेड बिकॉज मेरे सूट का कलर ब्लैक है और डे टाइम पे अगर मैं स्मोकी आईज करूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा, तो यहाँ पर मैं बिल्कुल सिंपल सा मेकअप कर रही हूँ। यहाँ पर मैं ब्रशेस का भी यूज नहीं कर रही हूँ, फिंगर की हेल्प से अप्लाई कर रही हूँ इसे अपने आईलिड पे। सो बिल्कुल बेसिक सा यहाँ पर मैं आई मेकअप कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं यूज कर रही हूँ मेबलिन का काजल। काजल के बाद मैं यूज कर रही हूँ वेगा का आईलैश कर्लर। नेक्स्ट मैं यूज कर रही हूँ मेबलिन का हाइपर कलर मस्कारा। सो गाइज लिपस्टिक के लिए मैं यूज कर रही हूँ लैक्मे की 9 to 5 वेटलेस मूज लिपस्टिक और आप इसे एज अ ब्लश भी यूज कर सकते हैं, एंड इसमें मेरी शेड है ब्लश वेलवेट। लास्ट में यूज कर रही हूँ एले गर्ल का मेकअप फिक्सिंग स्प्रे। इसे मैं ब्यूटी स्पॉन से फिक्स कर रही हूँ। सो गाइज यहाँ पर मैंने बिल्कुल सिंपल सा हेयर स्टाइल बनाया है और अब लास्ट रहते हैं मेरे झुमके। सो गाइज दिस इज द फाइनल मेकअप लुक। आई रियली होप कि आपको मेरा ये रक्षाबंधन मेकअप लुक अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड रिलेटिव या किसी के भी साथ, बिल्कुल फ्री है। नीचे रेड बटन है उस पर प्रेस करके मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और उसके साइड में ही छोटू सी घंटी है उस पर भी प्रेस कर देना जिससे आपको मेरी न्यू वीडियोज की नोटिफिकेशन मिल सके। सो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू।